जहाँ तू चाहे। और दूर बहुत है तारे, फिरते हुए सैकड़ों सूरज, ब्रह्मांड के ये बंजारे। सदियों के भंवर बहते हैं, अनगिनत हैं समय के धारे, और लीला का एक मोती कहते हैं जमी हम सारे, जमी हम सारे, जमी हम सारे। छोटी सी बूंद धरती सागर से कहीं गहरी है, आकाश की गंगा में ये बजरे की तरह बहती है। आकाश बहुत ऊंचा है, ऊंचा है, ऊंचा है। जस्टिस एंड वॉर। वाह भाई, क्या फिल्में बनाते हैं। संजू, विपुल, चलो दोनों दूध पी लो। हाँ संकेत, तुम पहली बार हमारे यहाँ आए हो, और वो भी संजू को लेकर, और दो दिन भी नहीं रुके, ये बहुत गलत है। अरे दीदी, अगली बार जब मैं आपके यहाँ आऊंगा तो आपके पास पूरा एक हफ्ता रहूंगा। इस बार तो दीदी समय ही नहीं, वो तो मास्टर विपुल की खातिर मैंने नागपुर होते हुए लोनार जाने का प्रोग्राम बनाया। थैंक यू अंकल, धूमकेतु की दुनिया अभी तक मुझे याद है। हाँ, और उल्का पिंडों की दुनिया तुम्हें बहुत याद रहेगी, देख लेना। अरे भाई, अब ये छोड़ दो और जल्दी से सोने की तैयारी करो, समझे? हमें सवेरे जल्दी उठकर एक लंबी यात्रा तय करनी है। अंकल, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। जब मैं बंबई आया था तब आपने धूमकेतु दिखाया था। बिल्कुल। और अब आप ये जो लूनार झील दिखाने ले जा रहे हैं, वो उल्का के गिरने से बनी है। बिल्कुल ठीक। तो क्या उल्का का और धूमकेतु का कोई संबंध है? हाँ संबंध है, लेकिन ये बात मैं तुम्हें लूनार क्रेटर दिखाने के बाद में समझाऊंगा। लूनार क्रेटर? आपने तो बताया था कि ये एक झील है। अरे बेटा, ये भी एक झील है, लेकिन ये अनोखी तरह की झील है। ये 2,00,000 टन की एक उल्का गिरने से बनी थी। अच्छा, हाँ। क्या किसी ने उल्का को गिरते हुए देखा था? भाई वैज्ञानिकों ने तो ये बात साबित कर दी है, लेकिन अजय भाई, वहाँ गांव के लोग तरह तरह की अनोखी अनोखी कहानियाँ सुनाते हैं। भैया एक कहानी बताइए ना। अच्छा, पहली बार जब मैं लोनार गया था तो घूमते 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 एक साधु की कुटिया में पहुँच गया। क्या करते हो? बहुत मेहरबानी बाबा, बाबा मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ। उल्का गिरने की वजह से लोनार झील का निर्माण हुआ है, इसलिए उसके पानी के बारे में, उसके नेचर के बारे में मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तुम पढ़े लिखे लोग सच्चाई को क्या जानो, ये इलाका दंडकारण्य का ही हिस्सा है। बाबा मुझे पूरी बात बताइए ना। तो सुनो, इस दंडकारण्य में लवणासुर नाम का एक राक्षस रहता था। वो ऋषि मुनियों के धार्मिक कार्यों में विघ्न डालता था। लवणासुर के अत्याचारों से तंग आकर स्वयं महर्षि शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उसे मार डाले। भगवान विष्णु ने लवणासुर को अपने पैर के अंगूठे से उछालकर फेंक दिया, तो लवणासुर यहां आकर गिर पड़ा, और उसके गिरने से जमीन में जो गड्ढा हुआ वही है ये तुम्हारा लोनार झील। ये तो बड़ी मजेदार बात है ना संजू। हाँ।
और ये है लोनार झील। अभी हम सब चलकर रेस्ट हाउस में आराम करेंगे और सवेरे सवेरे एक अद्भुत आवाज से हमारी नींद खुल जाएगी, तब हम मजा लेंगे इस लोनार लेक का। अद्भुत आवाज, ये क्या चीज है भैया? अरे भाई ये तो तुम सवेरे सुनकर ही जान लेना। अभी तो हम चलकर आराम करेंगे, चलो आओ। संजू, तुमने कुछ सुना? हाँ, मुझे कुछ सुनाई तो दे रहा है। मम्मी, मम्मी, आपने कुछ सुना? विपुल सो जाओ अभी जरा। भैया, भैया। हाँ। भैया उठो ना भैया। क्या आपने है? कुछ सुना? क्या? सुनो। हाँ, कल मैंने कहा था ना, सुबह सुबह एक अद्भुत आवाज हमें जगाएगी, यही है वो अद्भुत आवाज, मोर की आवाज। हाँ चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हम झील की तरफ जाएंगे ना। हाँ झील देखने जाएंगे जरूर। उल्काओं के बारे में कुछ बताइए ना संकेत अंकल। भैया भैया मुझे भी बताइए ना। चल भाई शुरू हो जा। हाँ भाई बताता हूँ बताता हूँ। हाँ तो बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो उल्काएं हैं ये धूमकेतु के मलबे से निकले हुए छोटे छोटे टुकड़े हैं। जब कभी धूमकेतु सूरज के करीब से गुजरने लगता है तब अत्यधिक गर्मी से वो दो या अधिक टुकड़ों में बंट जाता है। धूमकेतु अंतरिक्ष से गुजरते समय उसके छोटे बड़े टुकड़े वो अंतरिक्ष में छोड़ता हुआ जाता है और ये ठोस टुकड़े हवा के वातावरण से गुजरते हुए तेज गर्म हो जाते हैं और इस तेज गर्मी के कारण पिघलने या भाप बनकर उड़ने से पहले ये तेजी से चमकने लगते हैं। क्या ये पता लगाना मुमकिन नहीं कि कौन सी उल्का किस धूमकेतु का हिस्सा है? हाँ अजय भाई कभी कभी पता लग भी जाता है, जैसे जिया कोबिन जिन्नर नामक धूमकेतु का हिस्सा होता है ट्राइकोनिड नाम का उल्का समूह, जिसे 10 अक्टूबर की शाम को देखा जाता है। क्या उल्का यानी मेटियोर? हाँ। और उल्का पिन यानी मेटियोराइट, ये दोनों एक ही चीज है? नहीं दीदी ये दोनों एक ही चीज नहीं है। उल्का पिंड ज्यादा बड़े होते हैं और भारी पदार्थों के बने हुए होते हैं। किसी उल्का का निर्माण तो पानी से भी हल्के पदार्थ से हो सकता है, लेकिन उल्का पिंड लोहे पत्थर या इसके मिश्रण से बने होते हैं। अब हम सब लोग लोनार झील के ठीक सामने खड़े हैं, वो देखो लोनार झील। अरे वाह, ये है लोनार झील। अंकल। हाँ। ये उल्का पिंड कितने बड़े होते हैं? इतने बड़े? एक बड़े उल्का पिंड का वजन 200 टन तक हो सकता है। कुछ उल्का पिंड ऐसे भी होते हैं जिनका वजन कुछ किलोग्राम तक का ही होता है और कुछ छोटे छोटे उल्का पिंडों का व्यास तो कुछ मीटर या कुछ सेंटीमीटर तक का ही होता है। क्या ये बाहरी अंतरिक्ष से भी गिरते हैं? ऐसा समझा जाता है कि उल्का पिंड एस्ट्रॉइड की टक्कर से जमा हुए मलबे से निकलते हैं। एस्ट्रॉइड? ये क्या होता है भैया? एस्ट्रॉइड एस्ट्रॉइड पिंडों का एक समूह होता है जो कई सौ किलोमीटर की दूरी पर बृहस्पति और मंगल के बीच की कक्षा में घूमता रहता है। ये पिंड इतने छोटे छोटे होते हैं कि इन्हें ग्रह तो नहीं कह सकते, लेकिन इनमें से ज्यादातर ऐसे होते हैं जो अपनी परिक्रमा रेखा में लगातार घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये आपस में टकरा जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं। तो क्या उल्का की तरह ये भी सब जब जमीन पर गिर जाते हैं तो गर्मी पाकर चमकने लगते हैं? शाबाश, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। सचमुच उल्कापात का दृश्य बहुत ही भव्य और चमकीला होता है, और सच पूछो तो चमकती हुई गरजती हुई गेंद जैसी चीज का गिरना बहुत ही सुंदर लगता है। चलो चलो पानी में जाएंगे, कितना मजा आएगा, है ना? हाँ हाँ
अरे संजू विपुल संभाल के। हाँ अभी हम जा सकते हैं। ठहरो ठहरो मैं आ रही हूँ। जल्दी आना। शायद बारिश होने वाली है, क्या नीचे जाना जरूरी है? हाँ अजय भाई, नीचे बहुत सारे मंदिर हैं, अगर बारिश आई तो वहां जाकर बैठ सकते हैं। चलिए चलिए चलिए। अरे वाह संकेत, कितनी विशाल झील है ये। हाँ दीदी, ये झील पहले विशाल सुराख के रूप में थी। हाँ। धीरे धीरे इसमें पानी भरना शुरू हो गया। इस झील की चौड़ाई 1700 मीटर के करीब है और इस झील की गहराई लगभग 80 मीटर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो उल्का यहाँ पर गिरी थी उसका वजन लगभग 2,00,000 टन था। इसका पानी खारा है ना भैया? लोनासुर के शरीर की मैल और उसके बुरे कर्मों के कारण इसका पानी खारा है ना अंकल? नहीं भाई नहीं, पहले इन पत्थरों को देखो। खारे पानी के असर से हजारों सालों बाद अब ये बुरबुरे हो चले हैं, यानी कि पाउडर जैसे होने लगे हैं। अच्छा, यहां से जो झील के किनारे छोटे छोटे गड्ढे नजर आ रहे हैं, क्या उनका पानी भी खारा है? नहीं अजय भाई, बिल्कुल नहीं। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि लोग जब गाय चराने जंगल में आते हैं तो इस झील के किनारे गड्ढा खोदकर पानी पीते हैं, जो कि बिल्कुल मीठा और पीने लायक होता है। और आपको यह सुनकर और भी हैरानी होगी कि इस बेहद खारी झील के पास जो गड्ढे हैं, झील और गड्ढे का फासला सिर्फ 1 मीटर के करीब होता है। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि आसपास की मिट्टी में इस पानी को फिल्टर करने की, मीठा और शुद्ध करने की ताकत है? वाह दीदी वाह, आपने क्या वैज्ञानिक विश्लेषण किया है, वाकई यही बात है। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। आइए। ए संजू, अरे चलना यार। रुकना। ए मोटू, क्या बैठा है, चल। मैं तुझे बड़ा हूँ, इज्जत से बात कर। चल चल जा जा। अरे संजू विपुल, झगड़ा क्यों कर रहे हो? अच्छे बेटे झगड़ा नहीं करते। चलो चलो आगे जाना है ना, चलो आओ जल्दी। हाँ तो मैं बता रहा था कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट ऑफ वॉशिंगटन ने सन 1978 में इस क्रेटर की बड़ी बारीकी से जांच की और यह तय किया कि यह क्रेटर संसार में सबसे बड़ा है। लेकिन ये क्रेटर कितना पुराना होगा? अरिजोना का क्रेटर 27,000 साल पुराना हो चुका है, जबकि ये क्रेटर 50,000 साल पुराना हो चुका है। और ड्रिलिंग से ये बात भी पता लग चुकी है कि इसकी गहराई 80 मीटर है। भैया, ये अरिजोना क्रेटर भी क्या पानी से लबालब भरा रहता है? कमाल है, बच्चे भी इतने अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हैं। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि अरिजोना के क्रेटर में बिल्कुल पानी नहीं होता। मम्मी जल्दी आओ ना। अरे विपुल ठहर जा, मैं आ रही हूँ। ए विपुल चल, क्यों रुक गया? बड़े ताने दे रहा था ना, अब चल रास्ते पे। अब कितना लंबा रास्ता है, झील किधर है? अरे ये देख झील, चल। अरे मत लगा, कुछ हो जाएगा तो। अरे शंकर अंकल ने बोला है कि ये खारा है। चिल्ला मत, कुछ नहीं होगा।
अरे साबुन जैसा लगता है रे, थोड़ा पीकर देखो। तू सच बोला रे, बहुत खारा है। मैंने कहा था ना पानी मत पी, अब चल बाहर, बहुत हो गया। ये भाई को मत बोलना प्लीज प्लीज यार। क्या अंतरिक्ष में धूमकेतु से लेकर उल्का जैसे छोटे सदस्य भी अपना प्रभाव बड़े ग्रहों पर छोड़ते हैं? हाँ ये बिल्कुल सही है अजय भाई। अब इस लोनार मीटियोरिक इम्पैक्ट क्रेटर से हाँ। और इस खूबसूरत गांव से हम विदा लेते हैं और आगे चलते हैं। आइए लोनार झील की महिमा पार मिलते हैं जिसमें बावन किस्म के क्षार। स्नान करे जो इसके जल से चर्म रोग रहे ना कोई जान सके ना कोई। कितनी सदिया बीत गई जान सके ना कोई। लौना सुर था अत्याचारी मारे उसे जब जगत मुरा खून से माखे हाथ धुलाने खून से माखे हाथ धुलाने प्रगट भई गंगा माई माई प्रगट भई गंगा माई माई जान सके ना नमस्ते सर, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? हाँ आइए आइए। थैंक यू सर। बैठिए। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हेलो सर। बैठिए। तो कैसी रही लोनार की यात्रा? खूब मजा आया अंकल। हाँ वेरी गुड। तो अजय तुम कुछ पूछना चाहते हो? जी हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराव हो जाने से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं? अगर उल्का पिंड छोटा सा हो तो उससे पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन अगर वो बड़ा हो तो काफी तबाही मचा सकता है। अब तुम लोग तो लोनार होके आए हो, वहाँ का जो उल्का पिंड था वैसा उल्का पिंड अगर आज गिरे तो पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग धस आ सकती है, और उससे अगर बड़ा उल्का पिंड हो तो एक छोटी सी बस्ती क्या पूरे आबाद शहर को वो बेचिराग कर सकता। क्या सर ये उल्का पिंडों की गर्मी बहुत तेज होती है? हाँ गर्मी तो इतनी तेज होती है कि उनसे चट्टान की एक परत ही पिघल जाए और उनसे दबाव की तरंगें यानी शॉक वेव्स भी निकल सकती हैं, और फिर ज्वालामुखी के भी भड़क उठने की संभावना हो जाती है। हमारे लोनार क्रेटर का तो यही इतिहास है। अंकल लोनार झील के बारे में तो हम लोगों को बहुत सारी बातों का पता चला है, अब उस दूसरे वाले क्रेटर के बारे में बताइए ना जिसका नाम गिनीज बुक में है। अच्छा अच्छा, तो तुम एरिजोना क्रेटर की बात कर रहे हो?
हाँ अंकल। बेटे यह क्रेटर तो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक फैला हुआ है और दरअसल 1.7 मेगाटन की शक्ति वाला जो परमाणु विस्फोट होता है वही इतना बड़ा सुराग बना सकता है। इतना बड़ा सुराग करने वाला उल्कापिंड कितना बड़ा था अंकल? वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का अंदाज है कि इस उल्कापिंड का वजन करीब 63,000 टन रहा होगा और इसकी चौड़ाई 25 मीटर थी। दबाव पड़ने से इसके टुकड़े टुकड़े हो गए और गर्मी से इसका अधिकांश भाग पिघल गया, इसलिए अब इसके मूल रूप का कोई प्रमाण नहीं बचा। पृथ्वी पर ऐसे कितने सुराख हैं सर? सालों साल तक अलग अलग आकार की कितनी उल्काएं पृथ्वी से टकराएं, इसका अध्ययन करने पर यह नतीजा निकाला गया कि पिछले लाखों सालों में 1 किलोमीटर आकार वाले करीब 1 लाख सुराग पृथ्वी पर होने चाहिए। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ऐसे सुराख 50 से ज्यादा नहीं है। इतनी कम क्यों अंकल? इनकी संख्या इतनी कम इसलिए है कि मिट्टी के कटने छटने से या तल में मिट्टी के भरते जाने से ऐसे गड्ढे आहिस्ता आहिस्ता भर जाते हैं और फिर कुछ गड्ढों में पानी भर जाने से वे झील की तरह दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि लोनार झील।